नमस्ते दोस्तों, मैं राजा रिया स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अप्रेंटिस गुरुजी के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, 111वीं शिक्षा परीक्षा के लिए सेशनल एवं प्रैक्टिकल के मार्क्स को भरने शुरू होते ही कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जो अभी तक बनी हुई हैं और इन दिक्कतों का अभी तक कोई विशेष समाधान नहीं हो पाया है। दोस्तों, इनमें जो पहली दिक्कत है वो है नॉन ITI वाले इशू की। दोस्तों, इस इशू में बहुत से ITI होल्डर्स को पोर्टल द्वारा नॉन ITI होल्डर दिखाया जा रहा है। और दोस्तों, इसके साथ साथ दूसरी दिक्कत उन कैंडिडेट्स की है जिन्होंने 110वीं शिक्षा परीक्षा के पहले राउंड और दूसरे राउंड के लिए अप्लाई किया हुआ है, लेकिन पुराने वाले पोर्टल पर डाली गई लिस्ट में उनका नाम नहीं है। तो ऐसे में उनको क्या करना चाहिए, इस बारे भी अभी तक कोई स्पष्ट स्थिति नहीं है। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में हम इन्हीं दोनों समस्याओं के अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि अप्रेंटिस से जुड़ी हर अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। तो दोस्तों, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन ITI के इशू के समाधान के बारे में। दोस्तों, नॉन ITI के इशू के समाधान के बारे में विभाग द्वारा पोर्टल पर एक अपडेट जारी कर दी गई है और यह अपडेट अब वर्किंग में भी है। और इसके बाद हम बात करेंगे 110th के फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड के उन कैंडिडेट्स के बारे में जिनका पुराने पोर्टल पर दी गई लिस्ट में नाम नहीं है। तो दोस्तों, नॉन ITI के इशू के बारे में जानने के लिए हमें लॉगिन करना होगा एक डिपार्टमेंट के पोर्टल को। तो हम एक डिपार्टमेंट के पोर्टल को लॉगिन कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे सामने एक डिपार्टमेंट का लॉगिन पोर्टल खुल चुका है और यहाँ से हम किसी कैंडिडेट के सेशनल एवं प्रैक्टिकल के मार्क्स को पोर्टल पर चढ़ाएंगे। और दोस्तों, यह कैंडिडेट नॉन ITI कैंडिडेट है, यानी पोर्टल द्वारा इसे नॉन ITI कैंडिडेट के तौर पर दिखाया गया है। और अब पोर्टल पर जो अपडेट डाली गई है उसके अनुसार ये दिक्कत कैसे दूर होगी उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, पोर्टल पर मार्क्स को चढ़ाने के लिए हमें जाना होगा DT AITT एग्जाम एंड सर्टिफिकेशन के ऑप्शन पर, और यहाँ पर क्लिक करने उपरांत हमें जाना होगा अटेंडेंस एंड मार्क्स के ऑप्शन पर। दोस्तों, अटेंडेंस एंड मार्क्स के ऑप्शन पर क्लिक करने उपरांत राइट साइड में हमारे सामने एक मेनू खुल जाएगी और इस मेनू में उन सभी कैंडिडेट्स की सूची मिल जाएगी जो इस पोर्टल पर अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं या फिर उनकी अप्रेंटिसशिप पूरी हो चुकी है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम एक ऐसे कैंडिडेट की सेशनल एवं प्रैक्टिकल मार्क्स को पोर्टल पर अपलोड करेंगे जिसकी अप्रेंटिसशिप पूरी हो चुकी है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लिस्ट में देख पा रहे हैं, संजू रानी नाम की कैंडिडेट है जो ड्राफ्ट 7 सिविल ट्रेड की है और यहाँ पर इसका जो कैंडिडेट टाइप है वो नॉन ITI दिखाया गया है। तो दोस्तों, हम इसी कैंडिडेट के सेशनल एवं प्रैक्टिकल के मार्क्स को पोर्टल पर चढ़ाएंगे। दोस्तों, उसके लिए हमें जाना होगा 3 डॉट्स के ऑप्शन पर, और 3 डॉट के ऑप्शन पर क्लिक करने उपरांत हमें जाना होगा एंटर मार्क्स के ऑप्शन पर। दोस्तों, एंटर मार्क्स के ऑप्शन पर क्लिक करने उपरांत हमारे सामने एक पॉपअप खुल जाएगा क्वालिफिकेशन मिसमैच्ड का। जी हाँ दोस्तों, यही वो अपडेट है जो विभाग द्वारा पोर्टल पर डाली गई है। दोस्तों, इस पॉपअप में लिखा गया है देयर इज ए मिसमैच इन कैंडिडेट क्वालिफिकेशन एंड कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स, डू यू वॉन्ट टू करेक्ट। दोस्तों, यह पॉपअप यह बताता है कि आपकी क्वालिफिकेशन और कॉन्ट्रैक्ट में कोई मिसमैच है, क्या आप इसे दूर करना चाहेंगे। दोस्तों, यह मिसमैच वही मिसमैच है जो नॉन ITI का इशू चल रहा है। दोस्तों, यहाँ पर आप नीचे देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो कैंडिडेट टाइप है वो नॉन ITI शो हो रहा है। तो दोस्तों, हम यस के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों, जैसे ही हम यस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक और पॉपअप दिखाई देगा, योर क्वालिफिकेशन सक्सेसफुली अपडेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट, यानी आपकी जो योग्यता है उसको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सक्सेसफुली अपडेट कर दिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो कैंडिडेट टाइप है वो अब ITI पास हो चुका है, यानी पहले ये नॉन ITI था और अब इसको ITI पास कर दिया गया है। दोस्तों, अभी हम बढ़ते हैं मार्क्स की तरफ। तो यहाँ पर हम प्रैक्टिकल के मार्क्स और सेशनल के मार्क्स को भरेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर जो प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं वो दिए गए हैं, तो हम 300 में से जो मार्क्स डिपार्टमेंट ने बताए हैं वो भर देते हैं और इसी तरीके से सेशनल के मार्क्स को भी पोर्टल पर भर देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं केवल 2 ही सब्जेक्ट सेशनल में दिए गए हैं और इन्हीं दोनों के मार्क्स हम यहाँ पर भर लेंगे। तो दोस्तों, मैंने प्रैक्टिकल और सेशनल के मार्क्स यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं और सेशनल और प्रैक्टिकल के मार्क्स को भरने उपरांत हमें जाना होगा
सेव के ऑप्शन पर, तो सेव का ऑप्शन आपको नीचे की तरफ दिखाई देगा। तो दोस्तों यहाँ से हम सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से आपके जो मार्क्स हैं वो एंटर्ड सक्सेसफुली हो जाते हैं। और उसके पश्चात हम ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों यह अपडेट केवल उन कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने अभी तक अपने मार्क्स को पोर्टल पर अपडेट नहीं करवाया है, और उन्होंने अपनी प्रोफाइल तो पोर्टल पर अपडेट कर ली है लेकिन मार्क्स को अभी तक पोर्टल पर नहीं चढ़वाया हुआ है। लेकिन दोस्तों ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने पहले से ही नॉन आईटीआई पर ही अपने मार्क्स को पोर्टल पर अपडेट करवा लिया है, उनकी प्रोफाइल में अभी इस तरह की कोई अपडेट नहीं आने वाली है, यानी उनका जो नॉन आईटीआई का इशू है वो अभी जो का तो ही रहेगा। और दोस्तों डीजीटी के सोर्स द्वारा भी यह बताया गया है कि उन कैंडिडेट्स के लिए भी बहुत ही जल्द कोई ना कोई अपडेट जरूर जारी कर दी जाएगी, क्योंकि ऐसे कोई एक या दो कैंडिडेट नहीं हैं बल्कि पूरे इंडिया के कैंडिडेट्स की अगर हम गिनती करें तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी ऐसी दिक्कत बनी हुई है। तो दोस्तों मेरी आपसे यही सलाह है कि आपके सामने इस तरह की कोई भी एरर या आपकी कोई भी समस्या है तो आप उसकी मेल तुरंत अजय भगत वाली मेल आईडी पर अवश्य करें, क्योंकि दोस्तों जब तक आपकी समस्याएं डीजीटी तक नहीं पहुंचेंगी तब तक उसका समाधान भी कैसे हो पाएगा। तो दोस्तों ये तो थी हमारी नॉन आईटीआई वाले इशू की अपडेट। अभी हम बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, और जो अगली अपडेट है वो है 110वीं फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड के कैंडिडेट्स की। तो दोस्तों इस अपडेट के लिए हमें जाना होगा अप्रेंटिसशिप के पुराने वाले पोर्टल पर। दोस्तों दूसरी जो समस्या है वो उन कैंडिडेट्स की है जो 110वीं शिक्षा परीक्षा के पहले राउंड और दूसरे राउंड के लिए अप्लाई तो कर चुके हैं लेकिन एग्जाम में अभी तक नहीं बैठ पाए हैं। और दोस्तों शुरू से ही ये कैंडिडेट असमंजस की स्थिति में हैं कि उनको क्या करना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो लिस्ट दी गई है उनमें उनका नाम नहीं है लेकिन उन्होंने एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो दोस्तों यदि आप में से भी ऐसे कोई कैंडिडेट हैं तो आपको परेशान या फिर निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों डीजीटी के जो सोर्स हैं उनके द्वारा यह बताया गया है कि बहुत ही जल्द इन कैंडिडेट्स की एक और लिस्ट इस पोर्टल पर डाली जाएगी, यानी अप्रेंटिसशिप का जो पुराने वाला पोर्टल आपके सामने दिखाई दे रहा है इसी के न्यूज़ एंड अपडेट सेक्शन में एक लिस्ट और डाली जाएगी जिसमें 110वीं शिक्षा परीक्षा के पहले राउंड और दूसरे राउंड के कैंडिडेट्स की सूची होगी जो किसी कारण से एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाए थे। तो दोस्तों आप समय समय पर इस पोर्टल के न्यूज़ एंड अपडेट सेक्शन को चेक करते रहें, क्योंकि अब जो लिस्ट आएगी उसमें उन सभी कैंडिडेट्स का नाम भी आने की संभावना है जो पीछे की लिस्ट में नहीं आ पाए थे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि मेरे इस वीडियो द्वारा आपकी 111वीं शिक्षा परीक्षा के बारे में कुछ और क्वेरीज दूर हुई होंगी। दोस्तों यदि आपको लगता है कि आपकी क्वेरीज दूर हुई हैं या आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक व शेयर जरूर कर दें, और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। अप्रेंटिस से जुड़ी अन्य दूसरी अपडेट्स के लिए बने रहिए इस चैनल पर। तो दोस्तों तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।